नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं चंदन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने अग्नि मिसाइल के 8वें संस्करण का कामयाब टेस्ट किया है। अग्नि सीरीज की चौथी खतरनाक मिसाइल और इस कैटेगरी की इसके जैसी दुनिया में कोई दूसरी मिसाइल। भारत की इस मिसाइल ताकत ने ड्रैगन को अपने हद में रहने को मजबूर कर दिया है। हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जिसके सामने चीन की चॉकलेट आर्मी सजदा करती है। यही वो ताकत है जिसकी वजह से ड्रैगन अपने बिल में घुसा रहता है, हिंदुस्तान की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकने वाली ये मिसाइल अग्नि सीरीज की चौथी खतरनाक मिसाइल है और इस कैटेगरी की इसके जैसी दुनिया में कोई दूसरी मिसाइल नहीं है। इस लॉन्च के साथ दुनिया को भारत का सीधा संदेश है कि हिंदुस्तान अपनी रक्षा के लिए न्यूनतम क्षमता को बनाकर रखे हुए है और वैश्विक हालात के मुताबिक अपनी सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। ये अग्नि 4 का 8वां सफल परीक्षण था जिसमें ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान की ये मिसाइल काउंटर अटैक के लिए अगर अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च करती है तो दुश्मन के इलाके में 1 टन का बॉम्ब फटेगा और कई किलोमीटर में होगी सिर्फ तबाही। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रविवार को उड़ीसा के चांदीपुर में टेस्ट। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने किया टेस्ट। ट्रेनिंग लॉन्च में ऑपरेशनल पैरामीटर्स की जांच। 3 तरह के हथियार ले जाने की क्षमता, पारंपरिक, थर्मोबैरिक और परमाणु बॉम्ब। एक्टिव रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने कई ऐसे मिसाइल टेस्ट किए जिसकी वजह से दुश्मनों के होश फाख्ता हो चुके हैं। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन को टेस्ट किया। आकाश के प्राइम वर्जन को टेस्ट किया। एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया। एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट किया और रणनीतिक तौर पर ये मिसाइलें भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। जिसमें उत्तर कोरिया का शैतान किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार मसाला डाल रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अगर अमेरिका को घेरने के लिए नए बेस की तलाश कर रहा है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए सोलोमन द्वीप के साथ समझौता कर चुका है और दक्षिण चीन सागर के मुल्कों के साथ साथ मलक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए कंबोडिया को अपना समुद्री ठिकाना बना रहा है, जहाँ पहले फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ चीन की टेंशन चल रही है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका 7वां परमाणु ब्लास्ट कब होगा उसकी तारीख भी आ चुकी है और साथ अमेरिका से इसे लेकर बड़ी धमकी भी आई है कि अगर नॉर्थ कोरिया परमाणु धमाका करने की हिमाकत करता है तो उसे मिसाइल और बॉम्ब से ही जवाब दिया जाएगा।
जिन और जोंग की जोड़ी पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेलती हुई नजर आ रही है। जिनपिंग के इशारे पर किस तरीके से किम जोंग दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, वो एक बार फिर से परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, यही बात हम कहने जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने भी अब हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है, किम को साफ कर दिया है कि कोई भी हिमाकत की तो बख्शा नहीं जाएगा। सनकी के सिर पर शैतान सवार है, तानाशाह दुनिया को डराने में जुटा है। मिसाइल और एटम बॉम्ब की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। अब सनकी तानाशाह ने दुनिया को भस्म करने की तैयारी कर ली है, इंसान के खात्मे का प्लान बना लिया है और ऐसा बॉम्ब बना लिया है जो दुनिया में महा तबाही ला सकता है। तानाशाह ने ऐलान कर दिया कि वो दुनिया के खात्मे तक रुकेगा नहीं और मिसाइलों के बैलिस्टिक मिसाइलों से एटॉमिक अटैक करता रहेगा। सनकी तानाशाह दुनिया को 6 बार झकझोर चुका है, 6 बार परमाणु विस्फोट कर चुका है, लेकिन अब भी सनकी को चैन नहीं। वो परमाणु बॉम्ब फिर से फोड़ने की फिराक में है, फिर ICBM चलाने की तैयारी कर रहा है। किम जोंग उन के शैतानी प्लान से अब दुनिया वाकिफ है। पूरी दुनिया जानती है कि किम जोंग का इरादा सुपर पावर से टकराना है। किम जोंग उन अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब ही 7वां परमाणु धमाका करने की फिराक में हैं और अब अमेरिका ने किम जोंग से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि किम ने एक और विस्फोट किया तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ने कहा है, उत्तर कोरिया 7वां परमाणु टेस्ट करने की फिराक में है। जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के करीबी मित्र हैं और इनके अलावा भी अमेरिका के मित्र पूरी दुनिया में हैं और वो सभी समझते हैं कि किम जोंग के परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के लिए खतरा है। अंजाम भुगते का लाल शैतान, अमेरिका ने बनाया पलटवार का प्लान। अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि किम जोंग को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने सीधे शब्दों में कह दिया कि किम जोंग उन दुनिया के लिए खतरा है और किम के खिलाफ अमेरिका हथियार उठाने से भी पीछे नहीं रहेगा। साउथ कोरिया से अमेरिका ने ऐलान किया, नॉर्थ कोरिया पुंगेई री में परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। कोई भी नया परमाणु प्रयोग UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव का सीधा उल्लंघन होगा। ऐसे में किसी भी परमाणु टेस्ट का जवाब ताकत से दिया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों से डरा रहा जोंग, US साउथ कोरिया ने दिखाई ताकत। किम जोंग उनको परमाणु हथियारों की भूख बेहद ज्यादा है। वो परमाणु हथियारों से इंडो पैसिफिक को दहलाना चाहता है, साउथ कोरिया पर कब्जा करना चाहता है और जापान को तबाह करना चाहता है। किम जोंग खुद को चीन से भी ताकतवर दिखाना चाहता है, तभी तो बाइडेन के जापान में रहते हुए भी मिसाइल चलाता है और फिर एक साथ 8 मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को सकते में डाल देता है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिसाइल पावर दिखाने के बाद एयर सुपीरियोरिटी का भी प्रदर्शन किया, किम जोंग और जिनपिंग को अपनी हवाई ताकत का एहसास करा दिया। अमेरिका और साउथ कोरिया के 20 फाइटर जेट्स ने वॉर फॉर्मेशन में उड़ान भरी और किम के मुल्क के बेहद करीब से गुजरते हुए ताकत का एहसास कराया। इन फाइटर जेट्स में घातक F-35A जेट भी थे। ताकत के प्रदर्शन के बाद साउथ कोरिया ने कहा, साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों ही उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे का ताकत से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध हैं और हम नॉर्थ कोरिया की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।
अमेरिका ने अब ठान लिया कि वो अब जिनपिंग और किम जोंग को उसी की भाषा में जवाब देगा और पुतिन के सामने भी सीधा खड़ा होगा, ताकि तीनों शैतान मिलकर इंसानियत का खात्मा करने के मंसूबों में कामयाब न होने पाए और फिर कोई नया यूक्रेन दुनिया में न बनने पाए। इंडो पैसिफिक में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, कमजोर मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन पर मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। और अब चीन ने कंबोडिया को अपने जाल में फंसाकर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ हवाई और समुद्री पोर्ट पर भी वो अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन की इस चाल से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडो पैसिफिक में दादागिरी करती रही है, समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने और बादशाहत कायम करने के लिए लाल शैतान कमजोर मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन का इस्तेमाल अपनी फोर्स के ठिकाने के तौर पर करता है। ड्रैगन ने अपनी इसी भेड़िया चाल में फंसाया है कंबोडिया को, जहां के दारा सकोर में हवाई और समुद्री पोर्ट बना रहा है, जो असल में चीन के मिलिट्री बेस की तरह काम करेगा। कंबोडिया में मिलिट्री बेस बनाकर चीन आसमान और समंदर में अपनी ताकत बढ़ाएगा और साउथ चाइना सी में अपनी दावेदारी को और मजबूत करेगा। साउथ चाइना सी के करीब 80% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड देशों ने घेराबंदी शुरू की, तो ड्रैगन अलग अलग मुल्कों में मिलिट्री बेस बनाकर क्वाड देशों को समंदर में घेरने की तैयारी शुरू कर चुका है। कंबोडिया में लाल शैतान की धमक से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ गई है। कंबोडिया में चीन के बेस बनाने पर ऑस्ट्रेलिया ने एतराज जताया। हम लगातार कंबोडियन सरकार के संपर्क में हैं और हमने आश्वस्त किया है कि किसी भी विदेशी मिलिट्री को विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें बीजिंग की कारस्तानी का इल्म है। हम चाहते हैं कि बीजिंग इसको लेकर पारदर्शी रहे और उसके क्रियाकलाप क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को न बिगाड़े। चीन के इस नए मिलिट्री बेस से सुपर पावर अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। चीन कंबोडिया के इस ठिकानों से सैन्य बल की तैनाती कर अमेरिका सेना की खुफिया निगरानी आसानी से कर सकता है। ये नया नेवल बेस चीन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो दुनिया के कई हिस्सों में मिलिट्री बेस का नेटवर्क तैयार करना चाहता है, ताकि सुपर पावर बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। इंडो पैसिफिक में किलेबंदी कर रहा है चीन सोलोमन आइलैंड के साथ की सैन्य संधि। सोलोमन में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में चीन ने कहा नहीं बनाएगा मिलिट्री बेस। सोलोमन द्वीप को पुलिस ट्रेनिंग देने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया का आरोप मिलिट्री तैनाती की साजिश, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए हुआ खुलासा। सोलोमन आइलैंड से निकलने वाली एक ग्वाडल कैनाल पैसिफिक ओशन से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए न्यूजीलैंड तक पहुंचती है। समंदर में घुसपैठ ड्रैगन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने की घोषणा की। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दादागिरी उस वक्त सामने आई थी, जब पिछले 26 मई को ऑस्ट्रेलिया का एक समुद्री निगरानी विमान PHA पोसाइडन गश्त के दौरान चीन के लड़ाकू विमान J-16A ने खतरनाक तरीके से कलाबाजी करते हुए घेरने की कोशिश की। लेकिन चीन की हरकत से ऑस्ट्रेलिया खासा नाराज है और चीन कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर में कैनबेरा का विमान चीनी संप्रभुता का उल्लंघन है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है और 8 मुल्कों के साथ उसका विवाद है, और वहां अगर ऑस्ट्रेलिया का निगरानी विमान आता है तो चीन हक से उसे वापस जाने की वार्निंग देता है।
हालांकि दोनों मुल्कों के बीच में सोलोमन द्वीप को लेकर ठनी हुई है और एंथनी एल्बनीज की नई सरकार ने साफ कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दखलअंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी है, देखते रहेगा जी हिंदुस्तान।